ओम श्री साई राम। माई मोस्ट हम्बल प्रणाम एट द लोटस डिवाइन फीट ऑफ मदर साई। टुडे वी हैव टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू 3 ओमकार्स। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। ओ साई राम। नाउ वी स्टार्ट द लेसन। लेसन नंबर 3, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। HOW हाउ अ COMPUTER कंप्यूटर WORKS works। लेसन नंबर 3, हाउ अ कंप्यूटर works, मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। यू कैन सी दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर यू कैन सी वन बनाना शेक इज देयर एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बनाना शेक। How do you make banana shake? That process will be explained in the step by step. THEARE, there, AREER, THREE, 3, STEPS, steps, FOR, for, MAKING, making, BANANA, banana, SHAKE, shake. There are 3 steps for मेकिंग बनाना शेक। STEP स्टेप 1, SWATI स्वाति, PUTS पुट्स, BANANAS बनानास, स्वाति puts bananas, MILK milk, AND and, SUGAR sugar, INTO into, BLENDER blender। स्वाति पुट्स बनानास, मिल्क एंड सुगर इंटू अ ब्लेंडर। BANANAS बनानास, MILK मिल्क, AND एंड, SUGAR sugar, AREER, THE the, INPUT input, bananas, milk and sugar are the input. If you want to make banana shake, the first of all, step number 1, you take bananas, milk and sugar as a input, that's called as a input. Next is step number 2, T
एच ई द बी एल ई एन डी ई आर ब्लेंडर एम आई एक्स ई एस मिक्सेस टी एच ई द बी ए एन ए एन ए एस बनानास एम आई एल के मिल्क ए एन डी एंड एस यू जी ए आर सुगर टी ओ जी ई टी एच ई आर टुगेदर द ब्लेंडर मिक्सेस द बनानास मिल्क एंड सुगर टुगेदर. ब्लेंडर क्या करेगा, बनाना मिल्क एंड सुगर को एक साथ मिक्स कर देगा. टी एच आई एस दिस आई एस इज सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड पी आर ओ सी ई डबल एस आई एन जी प्रोसेसिंग. दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. बनानास और मिल्क और सुगर को मिक्सिंग करने का जो वर्क है दैट्स कॉल्ड एज अ प्रोसेसिंग. दिस इज द सेकेंड स्टेप. नाउ यू हैव टू फॉलो द स्टेप नंबर 3. टी एच ई द वाई यू डबल एम वाई यमी बी ए एन ए एन ए बनाना एस एच ए के ई शेक टी एच ए टी दैट एस एच ई सी जी ओ टी गॉट आई एस इज टी एच ई द ओ यू टी पी यू टी आउटपुट. द यमी बनाना शेक दैट सी गॉट इज द आउटपुट. टी एच यू एस थस एम ए के आई एन जी मेकिंग बी ए एन ए एन ए बनाना एस एच ए के ई शेक एफ ओ डबल एल ओ डब्लू एस फॉलोस टी एच आर डबल ई थ्री एस टी ई पी एस स्टेप्स थस मेकिंग बनाना शेक फॉलो 3 स्टेप्स. विच आर दीज 3 स्टेप्स. नंबर 1 I N P U T input. Number 2 P R O C E double S process. And number 3 O U T P U T output. To make a banana shake, you have to follow 3 steps. First step is input, second is process, and third is output. क्लियर. बनाना शेक बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो इनपुट. बनाना मिल्क सुगर ऑल दैट्स आर द इनपुट. देन पुट इन द ब्लेंडर एंड मिक्स ऑल दैट थिंग्स दैट्स कॉल्ड अ प्रोसेस. उसको क्या कहते हैं हम, प्रोसेस. एंड देन आफ्टर वी गेट अ ग्लास ऑफ बनाना शेक दैट्स कॉल्ड एज अ आउटपुट. जो हमें बनाना शेक मिलता है वो क्या होता है, हमारा आउटपुट. यू कैन सी इन दिस एक्टिविटी पिक्चर इट इज रियास बर्थडे. मम्मी इज बेकिंग अ केक फॉर हर. राइट आई फॉर इनपुट पी फॉर प्रोसेसिंग एंड ओ फॉर आउटपुट. ये केक बनाने के लिए यू हैव टू राइट आई फॉर इनपुट पी फॉर प्रोसेसिंग and O for output. There are 3 pictures are there.
यहाँ पर तीन पिक्चर्स दिए हुए हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये सारे मटेरियल चाहिए, ये क्या है इनपुट, और इन मटेरियल्स को मिक्स करके हम क्या करेंगे ओवन में रखेंगे, तो वो क्या होगा प्रोसेसिंग, एंड देन आफ्टर फाइनली जो बनेगा वो क्या होगा आउटपुट हमारा केक। तो आपको यहां पे लिखना है आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड ओ फॉर आउटपुट, दिस इज प्रोसेसिंग, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, प्रोसेसिंग इनपुट एंड आउटपुट। सेम एज आर कंप्यूटर ऑल्सो फॉलो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, अ सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर ए एल एस ओ ऑल्सो एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू एस फॉलोस टी एच आर डबल ई थ्री डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट एस टी ई पी एस स्टेप्स टी ओ टू पी ई आर एफ ओ आर एम परफॉर्म अ टी ए एस के टास्क। अ कंप्यूटर ऑल्सो फॉलो थ्री डिफरेंट स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क टी एच ई एस ई दीज S T E P S steps A R E R I N P U T input P R O C E double S process A N D and O U T P U T output. These steps are input, process and output. T H I S this I S is K N O W N non A S S T H E the I N P U T input P R O C E double S process O U T P U T output C Y C L E cycle. This is known as the input process output cycle, in the short form IPO cycle. A computer also follows three different steps to perform a task. These steps are input, process and output. This is known as the input process output cycle. In the short form we can write IPO cycle. जो हमने देखा इनपुट प्रोसेस और आउटपुट सेम टू सेम हमारा कंप्यूटर भी ये थ्री स्टेप जो साइकिल है उसको परफॉर्म करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट डू द इनपुट देन प्रोसेस देन आउटपुट, और शॉर्ट में हम उसको क्या कहते हैं IPO cycle. TO2 U N D E R S T A N D understand T H E the I P O C Y C L E cycle L E T let U S us A double D add T W O 2 N U M B E R S numbers 1 for 14 and 2020. To understand the IPO cycle, let us add two numbers 14 and 20. U S E use T S E the C A L C U L A T O R calculator O F of a C O M P U T E R computer. Use the calculator of a computer. A S K ask why O U R your
teacher, teacher, open, it, eat, and, then, follow, the, given, steps, steps. Ask your teacher to open it and then follow the given steps. Here you can see, to understand IPO cycle, let us add two numbers. IPO cycle ko samajhne ke liye, hum two numbers ko add karenge. Which are these two numbers? 14 and 20. और नंबर को ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? कैलकुलेटर. वी कैन यूज द कैलकुलेटर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर भी कैलकुलेटर होता है, उसका यूज करना है 14 और 20 को ऐड करने के लिए. तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द कैलकुलेटर, देन आफ्टर फॉलो दिस स्टेप्स. स्टेप नंबर वन इज इनपुट, INPUT इनपुट. अब इनपुट कैसे करना है? You have to follow these steps to input the numbers. LEFT left, CLICK click, ON THE BUTTONS buttons. 1 AND and 4. Left click on the button 1 and 4 to input the 14. 14 ko input karne ke liye, first of all we have to press the 1 and then after we press the 4. Step number 2, LEFT left, CLICK click, ON THE plus BUTTON button. Left click on the plus button. 14 के बाद क्या कर रहे हैं हमें? Plus को दबाना है, press करना है. Add करने के लिए we have to do the plus sign ना? Add करने के लिए हम plus sign का use करते हैं. Step number 3, LEFT left, CLICK click, ON THE BUTTONS buttons 1 and 0. 10 को input करने के लिए we have to press 1 and 0. I repeat again. First of all, left click on the button 1 and 4. Left click on the plus button. Left click on the buttons 1 and 0. तो आपने जो इनपुट किया यहां पे क्या किया? 14 plus 10. Then after processing के लिए, next we do the process. Step number 4, LEFT left, CLICK click, ON THE equal to BUTTON button. Left click on the is equal to button. THE CALCULATOR calculator, ADDS adds THESE these TWO2NUMBERS numbers 14 and 10. The calculator adds these two numbers 14 and 10. After the input, you have to press on the equal to sign. So, usse kya hoga? Computer uski process karega. 14 aur 10 ko kya karega? Wo plus kar dega. Then, kya hoga? We can see the output. What is the output? The THE CALCULATOR calculator SHOWS sauce 24.
द कैलकुलेटर शो 24। आउटपुट में क्या दिखाई देगा हमें? 24। वी कैन सी आउटपुट हियर 24। THIS दिस, IS इज, THE द, RESULT रिजल्ट, OR और OUT PUT आउटपुट। दिस इज द रिजल्ट और आउटपुट। ये क्या है आपका आंसर है और आउटपुट भी यही है। सबसे पहले हमने इनपुट किया 14 प्लस 10, देन हमने इक्वल टू बटन प्रेस करके उसका प्रोसेस किया एंड देन आफ्टर वी कैन सी द आउटपुट और रिजल्ट 24। नाउ यू कैन डू द एक्सरसाइज ऑन योर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द ट्रू एंड फॉल्स। नंबर वन, अ मॉनिटर गिव्स इनपुट टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को इनपुट कौन देता है? मॉनिटर? नो। हु गिव्स द इनपुट टू अ कंप्यूटर? कीबोर्ड। वी आर यूजिंग द कीबोर्ड टू गिव द इनपुट। तो फर्स्ट क्या है? फॉल्स। नंबर वन क्या है? फॉल्स। तो यू हैव टू राइट एफ। नंबर टू, अ मॉनिटर शोज आउटपुट। आउटपुट कहां पे दिखाई देता है हमें? यस, वी कैन सी द आउटपुट ऑन अ मॉनिटर, मींस इट इज ट्रू। नंबर थ्री, द सीपीयू प्रोसेस इनपुट। सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग ऑन इनपुट। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, इन आईपीओ आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन। इन द आईपीओ साइकिल व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आई? इन द आईपीओ साइकिल आई इज स्टैंड फॉर इनपुट नॉट फॉर द इंफॉर्मेशन। तो क्या होगा ये? फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू एंड फोर्थ इज फॉल्स। यू हैव टू राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक, नॉट इन योर नोटबुक। नेक्स्ट, राइट आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट बिलो इच पिक्चर। ये पिक्चर्स दिए हुए आपको, इसमें से कौन से पिक्चर के अंदर आई, पी और ओ? I for input, P for process and O for output. वो आपको इसके अंदर लिखना है। In this picture, you can see the orange is there, orange juice is there and the process is there. So this is input, this is process and this is output. You have to write here input, output and process. Next is washing machine. These clothes are there and this is dry clothes. This is input, this is process and this is output. You have to write process, P for the process, I for the input and O for the output. This is popcorn. First of all, you take this input, then process, and then output. For I, for the process, P, for output, O. Here also, this is input, this is process and this is output. You have to write O for output, P for the process and I for the input. All that things you have to complete on your textbook, not your notebook. Next, match the following inputs and their outputs. Matching are here. These all are inputs and by using this input, which outputs you can create. ये सारे इनपुट्स है और उससे होने बनने वाले जो आउटपुट्स है वो इधर है, दोनों को हमें
मैचिंग करना है. दिस इज अ एप्पल, एप्पल से क्या बनेगा? बुक, टेबल, फ्रॉक और जूस. यस वी कैन मेक द जूस बाय द एप्पल. तो इसको मैचिंग करना है, यहां से एप्पल को जूस के साथ मैच करना है. नेक्स्ट इज पेजेस. पेजेस से क्या आउटपुट बनेगा? पेज. यस बुक. आपको इसको मैच करना है. यू टू मैच टू विद द ए. नेक्स्ट इज क्लोथ से फ्रॉक बनी है. थ्री को मैचिंग करना है डी के साथ. नंबर फोर वुडन से क्या बना है? टेबल. यस नंबर फोर को बी के साथ मैच करना है. क्लियर? देन आफ्टर आंसर दीज क्वेश्चंस राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ. यू हैव टू राइट फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ साइकिल. आई इज स्टैंड फॉर इनपुट. पी इज स्टैंड फॉर प्रोसेस एंड ओ इज स्टैंड फॉर आउटपुट. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ओके नेक्स्ट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 10 + 10. ऑल ऑफ यू नो द मैथ्स. इफ यू एड 10 + 10 व्हाट इज द आंसर? यस 20 इज योर आंसर. क्लियर? यू हैव टू कंप्लीट द टेक्स्ट बुक. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज फॉर योर नोटबुक. नाउ क्लास इज ओवर. वी हैव टू डू द ओम शांति शांति. ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. ओ शांति शांति शांति. साई राम. टेक केयर.